नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल में। मॉर्निंग 10 क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन, पहले हम वन लाइनर लेके आते थे, व्याख्या के साथ लेके आते हैं, और हमें नोटबुक में जो है वो क्वेश्चन और आंसर लिखने हैं, और उसके साथ व्याख्या के रूप में कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो हमें साथ के साथ नोट कर लेनी है। पटियाला में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्चरी कंपटीशन में हनुमानगढ़ के किस तीरंदाज ने गोल्ड मेडल जीता है? राजस्थान के किस जिले की बात सभी है? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में एक तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है और उसने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान के अंदर नवीन कुमार लिंबा जो हनुमानगढ़ जिले के हैं, उन्होंने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 36 MLW तहसील पीलीबंगा हनुमानगढ़ के प्रतिभावान तीरंदाज हैं नवीन कुमार लिंबा, और नवीन कुमार लिंबा ने जीता है गोल्ड मेडल। नवीन ने 30 मीटर इंडियन स्टाइल ऑर्चरी की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल, 50 मीटर स्पर्धा में चौथी रैंक हासिल की है, और ऑल ओवर स्पर्धा में सिल्वर मेडल जो है वो इन्होंने जीता है। तो ऑल ओवर स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। 50 मीटर स्पर्धा में कौन सी रैंक रही है? चौथी रैंक रही है। और 30 मीटर इंडियन स्टाइल ऑर्चरी की व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। तीरंदाज का नाम क्या है? नवीन कुमार लिंबा। किस जिले से? हनुमानगढ़ जिले से। मूल रूप से 36 MLW पीलीबंगा के निवासी। जोधपुर जिले के किस कारीगर ने राम लल्ला की प्रतिमा के लिए सोने के नेत्र बनाकर अयोध्या भेजे हैं? अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में नेत्र बनाकर भेजे हैं सोने के, और उसका नाम आता है पल्लव सोनी। पल्लव सोनी जो है वो राजस्थान के किस जिले के हैं? जोधपुर जिले के हैं। कहाँ के हैं? जोधपुर जिले के हैं, जिन्होंने रामलीला की प्रतिमा के नेत्र जो है वो बनाकर भेजे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जोधपुर का एक कारीगर, कारीगर का नाम है पल्लव सोनी, और पल्लव सोनी ने सोने के नेत्र बनाकर अयोध्या भेजे हैं। तो राजस्थान का वह कलाकार कारीगर जिसका नाम आता है पल्लव सोनी, और पल्लव सोनी ने सोने के नेत्र बनाकर कहां भेजे? अयोध्या भेजे। नेक्स्ट आता है 1300 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का तीसरा बड़ा ग्लास प्लांट कहां लगाया जाएगा? 1300 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जो ग्लास प्लांट बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। किस जिले के अंदर बनाया जा रहा है? भीलवाड़ा जिले के अंदर बनाया जा रहा है। फ्रांस की कंपनी, किस देश की कंपनी के द्वारा ये निर्मित प्लांट है? तो फ्रांस की कंपनी का यह भारत में तीसरा प्लांट है, और इस कंपनी के बात करें तो तमिलनाडु के पेराम्बदूर व गुजरात के जागड़िया में पहले से ऑटोमेटिक ग्लास प्लांट चल रहे हैं। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के बीच है सोनियाना, और इसी सोनियाना में ग्लास प्लांट जो है वो तैयार होगा, और ग्लास प्लांट पहले कच्चे माल जैसा होगा, उसे गुजरात की प्रोसेसिंग में भेजा जाएगा, उसके बाद बाजार में उतारा जाएगा। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो ग्लास प्लांट लगाया जा रहा है भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा के किस क्षेत्र में? सोनियाना में। कहाँ? सोनियाना में। और वैसे अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा तमिलनाडु के पेराम्बदूर में, दूसरा गुजरात के जागड़िया में, तीसरा है सोनियाना भीलवाड़ा जिले के अंदर। नेक्स्ट, 2 से 5 फरवरी 2024 तक सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? 2 से 5 फरवरी 2024 तक सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया जाएगा राजस्थान के जयपुर शहर में। कहां किया जाएगा? जयपुर शहर में किया जाएगा। तो राजस्थान के जयपुर में फरवरी 2024 में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती जो है चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। पुरुष और महिला पहलवानों के लिए राष्ट्रीय कुश्ती शिविर 9 फरवरी से क्रमशः सोनीपत और पटियाला में शुरू होंगे। तो अगर पूछे कि पुरुष और महिला पहलवानों के लिए राष्ट्रीय कुश्ती शिविर 9 फरवरी से कहां प्रारंभ होने जा रहे हैं? तो सोनीपत और पटियाला में, और यह शिविर जयपुर में होने वाली कुश्ती की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के तुरंत बाद होंगे। तो कुश्ती की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन होगा जयपुर में, उसके बाद जो है
राष्ट्रीय कुश्ती शिविर का आयोजन होगा सोनीपत और उसके बाद में होगा पटियाला। नेक्स्ट, 2 से 15 फरवरी 2024 तक भारत और किस देश के मध्य राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जा रहा है? तो डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किन दो देशों के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है? तो एक तो आएगा अपना भारत, और भारत के साथ साथ आएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य जनवरी 2024 में कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ? डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन हुआ। डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो यह हुआ जैसलमेर में। कहां हुआ? जैसलमेर में। जैसलमेर में होने वाले इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट साइक्लोन नाम दिया गया। 14 दिन तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट आता है, पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के किस तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आयोजन हुआ राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का, कहां हुआ? पटियाला में। पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस जिले की बात चल रही है? बीकानेर की। और किस खेल का खिलाड़ी तीरंदाजी का कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन आपके सामने, तो दिव्या सिंह पवार तो शूटिंग से है, सुंदर सिंह गुज्जर ये जेवलिन थ्रो से है, श्याम सुंदर स्वामी और श्यामलाल मीना है तो दोनों के दोनों तीरंदाज, लेकिन ये स्वर्ण पदक जीता किसने है? श्याम सुंदर स्वामी ने जीता है, जो है कहां के? बीकानेर के हैं। 28 से 30 दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता पटियाला में आयोजित हुई थी और बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता और तीरंदाजी प्रशिक्षक हैं अनिल जोशी, और अनिल जोशी ने बताया कि राजस्थान कंपाउंड टीम में श्याम सुंदर स्वामी और प्रेम कुमावत दोनों ही दमदार खिलाड़ी हैं, साथ ही सुरेंद्र कुमार ने व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो प्रेम कुमावत का संबंध किस खेल से है? आपके तीरंदाजी से। किससे है? तीरंदाजी से है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस युवा कवि को उनकी कविता संग्रह नूह की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है राजस्थान का एक कवि है, और उस कवि का नाम आता है देवेश पत सारिया। देवेश पत सारिया की बात करें तो उन्होंने एक कविता लिखी, कविता संग्रह जिसका नाम है नूह की नाव। नूह की नाव जो है वो कविता किसकी है? देवेश पत सारिया की। अगर पूछे कि देवेश पत सारिया का संबंध राजस्थान किस जिले से है, तो ये है भरतपुर जिले से। किससे है? भरतपुर से। प्रजा फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में देवेश पत सारिया का सम्मान किया गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भरतपुर में हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में बंद की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन जो पूछा गया, जिसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2019-20 में। कब हुई थी? 2019-20 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान सरकार के सांख्यिकी विभाग के एक आदेश के मुताबिक राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को 31 दिसंबर 2023 से बंद कर दिया गया है। कब बंद कर दिया गया? 31 दिसंबर 2023 से। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य लोगों के दरवाजे पर शासन और सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना था। इसमें काम करने वाले व्यक्ति यानी कि उसको कितने रुपए मिलते थे? 10,000 रुपए मिलते थे। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग कहां बनाई जा रही है? राजस्थान के अंदर देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग बनाई जा रही है, और ये सुरंग जो है वो कहां से कहां बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है राजस्थान के झालावाड़ से बारा जिले में। कहां बनाई जा रही है? झालावाड़ से बारा जिले के अंदर बनाई जा रही है। तो एक सिरा झालावाड़, तो दूसरा होगा बारा जिले में। इतनी चौड़ी होगी कि दो ट्रक एक साथ गुजर जाए। अब तक हाईवे पर वाहनों के लिए बनी सुरंग जो है वो आपने देखी होगी, लेकिन इस सुरंग को नदी से पानी ले जाने के लिए बनाया गया है। तो नदी से पानी ले जाने के लिए जो भारत की सबसे लंबी जो सुरंग बनी जा रही है वो काम से कहां बनने जा रही है? झालावाड़ से बारा बनने जा रही है। नेक्स्ट,
राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का कौन सा संस्करण 27 से 31 जनवरी 2024 तक जैन सिनेमा जयपुर में आयोजित किया जाएगा? तो एक है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ध्यान रखना यह है रीफ, इसका इसकी बजाय एक आता है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो अलग होता है। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का कौन सा संस्करण, तो यह संस्करण जो है वो है आपका 10वां, और 10वें संस्करण का आयोजन कब होगा? 27 से 31 जनवरी 2024 को होगा, और होगा कहां? जयपुर के अंदर होगा। तो रीफ फिल्म क्लब द्वारा आयोजित और फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ के 10वें संस्करण का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2024 तक द जेम सिनेमा जयपुर में आयोजित किया जाएगा। संकल्प में ऑफलाइन बैच प्रारंभ है, रीट L1 SST साइंस मैथ द्वितीय श्रेणी अध्यापक व्याख्याता CET RS SI पशु परीक्षा और न्यू ईयर ऑफर जो था संकल्प के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 50% की छूट, सभी जितने भी कोर्स ऑनलाइन जो है उन पर है दी जा रही है। और हम बात करें मार्केट में मिलने वाली जो पुस्तकें, ये आपको पुस्तकें मिल जाएगी, इसके अलावा नई बुक जो है वो और भी लॉन्च हो जाएगी 2-4 दिनों में। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो कैसी लगे, क्योंकि पहले हम वलेन लेके आ रहे थे, व्याख्या के साथ लेके आ रहे हैं, तो क्लास कैसे लग रही है? इसी के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की क्लास भी अगर शुरू कर दी जाए तो कैसा रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।